हाल ही में JNU विश्वविद्यालय में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ब्राह्मण और महाजन समाज को भारत छोड़ने के लिए स्लोगन दीवारों पर लिखे गए, इसको लेकर ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। इसी संदर्भ में विप्र सेना ब्राह्मण समाज द्वारा जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर भी लगातार ब्राह्मण समाज पर भद्दे और आपत्तिजनक बातें लिखी जा रही हैं। इसके विरोध में विप्र सेना के नरेश मुद्गल, लोकेंद्र शर्मा और उपस्थित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने लिप्त आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के अंदर JNU विश्वविद्यालय है, उसके अंदर दीवारों के ऊपर देश के एकता को तोड़ने वाले, चाहे उनको आतंकवादी कह लो चाहे वामपंथी कह लो, ऐसे अज्ञात लोगों के द्वारा ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिए भारत छोड़ो जैसे शब्द वहाँ पे लिखे गए, जिसको लेकर के ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है। और ब्राह्मण से वो कह रहे हैं कि आप भारत देश छोड़ के जाइए। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या किया है जो आप इस देश के अंदर रहना चाहते हो। अगर ब्राह्मणों के बारे में जानकारी चाहिए तो अपने दादा और पुरखों से जरा पूछो कि ब्राह्मणों का क्या इतिहास रहा है, और उस इतिहास के पन्ने पलट के देखो कि ब्राह्मण क्या है। इसलिए आज रोष के कारण आज विप्र सेना ने यहाँ पर अपने शिष्टमंडल के साथ में यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय को, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और केंद्र सरकार के अंदर अपने नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है कि ब्राह्मण कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो दिल्ली में ले लो चाहे राजस्थान में ले लो। आए दिन ब्राह्मण को प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी पुजारी आत्मदाह कर रहे हैं, कभी पुजारियों को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। आखिर ब्राह्मणों का अगर कोई धनी दोरी नहीं है तो ब्राह्मणों को छूट दें, अगर कानून नहीं संभाल सकता तो हमको कानून हाथ में लेने की आजादी दें। JNU की दीवारों पर लिखेगा ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, तो उन समाज कंटक, पहले तो वो हिंदू हो ही नहीं सकते जो ऐसी बातें लिख रहे हैं, ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो। और उन समाज कंटकों को अगर इतना ही शौक चढ़ रहा है कि भारत छोड़ो, तो अंधेरे में नहीं लिखे, हम आमना सामना करने को भी तैयार हैं उनसे। और इस मानसिकता के लोग जो भी है जो सोचते हैं ब्राह्मण बनिए, इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न कर रहा है लोगों का, तो वो भी आमना सामना करने को तैयार हैं, क्योंकि ब्राह्मण शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञान रखता है। तो हम पीछे वाले हटने नहीं हैं, इस बार से ब्राह्मण जवाब देना शुरू करेगा और तुरंत इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आगे से कोई भी ब्राह्मणों के या सण समाज के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, अगर आमना सामना करना हो तो आमना सामना भी। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में भी रह गया एक वर्ष से कम समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर, राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग, रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे, स्वामी न्यूज के फेसबुक और YouTube पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से लगता है वो संबंध, जानकारी साझा करें, प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।